नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशीष नोटियाल। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद है आप लोग सब अच्छे ही होंगे और अच्छे से सब कार्य चल होगा हमेशा की तरह। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम कुछ सीखने वाले हैं, हालांकि सीखने वाले नहीं हैं, मैं आपको कुछ जानकारी देने वाला हूं, जैसे कि आपने थंबनेल में देखा होगा। तो आप लोगों की खासकर रिक्वेस्ट पे, और मैंने देखा बहुत सारे, मैंने मतलब अपने वीडियो पीछे के देखे हैं कि अगर मेरे चैनल पर या कोई भी मतलब नया बिगनर कोई भी स्टूडेंट आता है और वो स्टार्टिंग से अगर देखना चाहता है कि हाँ मैं लेसन वन से सीखूं, तो उस सीरीज से वीडियोस अपलोड है ही नहीं। क्योंकि जब मैंने वीडियोस अपलोड करना स्टार्ट किया था शुरू शुरू में, तब मैंने मिक्स वीडियो अपलोड किए, मतलब जैसे कुछ भजन के हो गए, और तो चैनल पर कई सारे मतलब ऐसे वीडियो मिक्स इकट्ठे हो गए या फिर अपलोड हैं। जैसे कि मैं तबले का वीडियो बनाता था, तो फिर मैंने ढोलक के बनाने स्टार्ट किए, तो उसमें हुआ क्या, वो मिक्स हो गया। मैं पहले तबले पर सिखाया करता था, उसके बाद ढोलक पर भी बताया करता था, तो काफ़ी बड़े बड़े वीडियो होते थे। तो उसमें जो तबले वाले स्टूडेंट को तो वीडियो मिल जाता था शुरू में देखने के लिए, लेकिन वो ढोलक वालों को मतलब जो स्टूडेंट होते हैं उनको लगता था कि लास्ट में नहीं ढोलक पर बताया, या फिर तो कुछ भी हो सकता है। तो उसमें क्या होता था कि उनको पता नहीं चलता था कि ये वीडियो ढोलक पर भी है। तो ये सीरीज वाइज से वीडियोज़ अपलोड हैं ही नहीं, कहने का मतलब ये है। तो दोबारा से मैं एक सीरीज से अपलोड करने वाला हूँ, क्योंकि अब जो स्टूडेंट ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं उनको तो मैं स्टार्टिंग से ही सिखाता हूँ बिल्कुल, है ना। वो जितनी वो प्रैक्टिस करते हैं उस हिसाब से, और फिर मेरे को उनको बेसिक से ही बताना होता है। तो वही सेम सिस्टम मैं फिर यूट्यूब पे भी स्टार्ट करने वाला हूँ, कि अगर कोई यूट्यूब पे सीखना चाहते सीख रहा है, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो यूट्यूब पे देख के बहुत अच्छे से सीख जाते हैं। वो अलग बात है कि आपके सामने कोई भी गुरु नहीं होगा, या फिर जो आपको सिखा रहे हैं वो आपके सामने नहीं होगा कि आप सही प्रैक्टिस कर रहे हैं या गलत, तो उसके लिए तो आपको ऑनलाइन क्लास ही लेनी चाहिए। तो अगर आप ऑनलाइन क्लासेस लेना चाहते हैं, तो आप जो नंबर देख रहे हैं साइड में, उस पर कॉल कर सकते हैं और ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। उसके लिए जो भी प्रोसीजर है वो मैं आपको या तो फिर व्हाट्सएप पे आप मैसेज कर सकते हैं, वहाँ पर बता दूंगा, या कॉल करके आप पूछ सकते हैं, ठीक है। जो भी उसकी फीस है या फिर जो भी प्रोसीजर होता है ऑनलाइन क्लास लेने का, वो मैं आपको वहाँ पर बता दूंगा। बाकी YouTube पर भी मैं इसी तरीके से बिल्कुल बेसिक से वीडियोज़ अपलोड करने वाला हूँ, जिसमें कि स्पष्ट तरीके से साफ साफ लेसन वन से लेके स्टार्ट करूँगा, और हर ताल का शुरू में कोई सीन नहीं रहेगा। सबसे पहले जैसे कि बेसिक चीज़ें, जब बेसिक चीज़ें कंप्लीट हो जाएगी, तो उसके बाद तीन ताल की चीज़ें, जैसे कि तीन ताल सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो उस ये जो सीरीज़ आएंगी, इसमें केवल गानों से मतलब नहीं होगा, ये केवल उनके लिए होगा जो अच्छा सीखना चाहते हैं, कि हाँ हमें नॉलेज भी हो कि जो जिस चीज़ जो हम सीख रहे हैं रिदम या फिर जो भी इंस्ट्रूमेंट, तो तरीके से जैसा सीखा जाता है, जैसे कि मैंने सीखा है, मैं उस तरीके से इनको अपलोड करूँगा। ढोलक पर भी आप चाहेंगे तो तबले पर भी मैं दोबारा से अपलोड करूँगा, इसकी अलग अलग प्लेलिस्ट बना करेगी। प्लेलिस्ट क्या होती है, जिन लोगों को नहीं पता है, जब मैं वीडियोज़ अपलोड करूँगा तो वहाँ पर बीच में बता भी दिया करूँगा कि आपको वो प्लेलिस्ट मिलेगी कैसे, आपने उस प्लेलिस्ट पर जाना कैसे। प्लेलिस्ट ये होती है कि वहाँ पर आप एक वीडियो चलाएंगे तो वो सीरीज वाइज चलेंगी, है ना। आप लेसन वन से देखना स्टार्ट कर रहे हैं तो लेसन वन, उसके बाद फिर लेसन टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, इस तरीके से वो लेसन अपलोड होंगे। और उस तरीके से अगर आप देखेंगे, वही सेम चीज़ फॉलो करेंगे, प्रैक्टिस अच्छे से करेंगे, तो आप बहुत अच्छे से सीख सकते हैं, जैसे सीखा जाता है म्यूज़िक, जो तरीका होता है सीखने का किसी भी चीज़ को। क्योंकि आप कुछ भी अगर सीखते हैं, अगर आप उसको सीरीज वाइज सीखते हैं कि भाई लेसन वन, लेसन टू, इस तरीके से अगर आपको सिखाया जाता है पार्ट वन, पार्ट टू, तो उससे आपको समझ में भी अच्छे से आएगा, आपकी प्रैक्टिस भी अच्छी होगी। सबसे बड़ी बात कि आपको ये कन्फ्यूज़न नहीं रहेगी कि अभी मैंने लेसन वन देख लिया या मैंने ढोलक के बोल सीख लिए, तो उसके बाद मेरे को क्या सीखना चाहिए, अब फिर उसके बाद मेरे को थोड़ा हाथ क्लियर करने के लिए मेरे को क्या सीखना चाहिए, या मेरे को पहले कौन सा ताल सीखना चाहिए, मेरे को क्या नॉलेज होना चाहिए। तो ये सब चीज़ें मैं अलग अपलोड करूँगा, फिर साथ में अलग अलग इस तरीके से एक प्लेलिस्ट बनाया करूँगा, जिससे कि म्यूजिक से रिलेटेड जो भी नॉलेज है, जैसे कि जानकारी होती है, जैसे ताली खाली सम है ना, या फिर उसकी और भी बहुत सारी बातें हैं क्लासिकल म्यूजिक के बारे में या संगीत के बारे में, कोई नई नई जानकारी, उसके लिए मैं अलग से वीडियोज़ अपलोड किया करूँगा, अलग प्लेलिस्ट बनेगी। अगर उसकी अगर किसी को नॉलेज चाहिए तो वो मैं अलग से दिया करूँगा, है ना। इस तरीके से हम सीखेंगे जो तरीके से, बाकी अगर गानों के साथ या भजनों के साथ इस तरीके से आपने सीखने का हर वगैरह एडवांस पैटर्न, तो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, लगभग सभी 300 से भी ज़्यादा वीडियोस अपलोड हैं चैनल पर, तो आप देख सकते हैं अगर आपको इससे मतलब है। लेकिन ये जो सीरीज़ मैं सिखा रहा हूँ, ये शुरू से स्टार्टिंग से बिल्कुल रहेगा, जिससे कि जो भी स्टूडेंट नए हैं, जिनको ये प्रॉब्लम रहती है कि मैं कौन सा लेसन देखूं, या फिर अगर आप भी सीख रहे हैं, आपको भी खुद भी कन्फ्यूज़न है कि मैं स्टार्टिंग से अगर शुरू करता हूं सीखना, तो मेरे को कहां से स्टार्ट करना चाहिए। तो कहने का मतलब है, इस तरीके से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। अगर आप लोग इसके फेवर में हैं, अगर आप चाहते हैं कि हाँ ऐसा हो,
तो आप कमेंट में ज़्यादा से ज़्यादा बताएं कि हाँ मेरे को ये स्टार्ट दोबारा से करना चाहिए या नहीं, है ना। तो ढोलक और तबले पर भी, तो जितने ज़्यादा कमेंट्स आएंगे और मतलब मुझे लगेगा कि हाँ मेरे को अपलोड करना चाहिए, तो उतना जल्दी मैं ये स्टार्ट करूँगा। फिर बीच बीच में जैसे कि इसकी सीरीज़ की वीडियोस तो आएंगे ही बेसिक से, लेकिन कभी कभी अगर मेरे को कोई एडवांस कुछ बताना हुआ ढोलक पर तबले पर, कोई एडवांस चीज़ है, किसी गाने के साथ है, कोई भजन है, उसके साथ अगर कभी वीडियो बनाना होगा वो भी मैं बनाऊँगा। मतलब चैनल पर तो मिक्स वीडियो रहेंगे, लेकिन जो बेसिक से जो मैं चीज़ें आपको सिखाऊँगा उसकी प्लेलिस्ट अलग बनेगी। तो अगर आपको वो चीज़ सीखनी होगी तो उसके लिए हर वीडियो में जब भी प्लेलिस्ट वाली वीडियो आएगी तो मैं प्लेलिस्ट पर कैसे जाना है, वहाँ तक पहुँचना कैसे है, प्लेलिस्ट पर जाने का तरीका क्या होता है, क्योंकि बहुत कम स्टूडेंट को पता होता है कि प्लेलिस्ट अब हमें तो पता नहीं है कहाँ है कैसे, तो मैं बता दिया करूँगा। आप बिल्कुल आसानी से वहाँ पर चले जाएंगे और फिर वीडियो देख के सीख सकते हैं, जो कि बहुत आसान है। तो यही जानकारी आज के इस वीडियो में थी। वीडियो थोड़ा बड़ी ज़रूर हो गई है, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, आपके मतलब हित में ही ये जानकारी थी जो कि आपके फ़ायदे के लिए है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब अभी से कर लीजिए, क्योंकि इस पर ऐसे ही मैं वीडियोस अपलोड करता रहता हूँ, जिससे कि आपको काफ़ी कुछ सीखने के लिए मिलेगा अभी भी और आगे भी, ठीक है। और कमेंट करके तो आप ज़रूर बताएं ही बताएं कि मेरे को ये सीरीज़ स्टार्ट करनी चाहिए या नहीं, है ना। ये आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद है, क्योंकि मैंने आपको देख के ही ये सोचा है। बहुत सारे स्टूडेंट मुझे मैसेज करते हैं कि स्टार्टिंग से हमें सीखना है तो उसके लिए लेसन, लेकिन मैं उनको एक दो लेसन तो भेज देता हूँ, लेकिन उससे आगे का कोई प्रोसीजर ही नहीं है। फिर वो कोई भी लेसन देख लेते हैं, वैसे प्रैक्टिस कर लेते हैं, जो कि सही नहीं है। एक सीरीज वाइज अगर आप सीखते हैं तो ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।